हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल सीखो जिंदगी से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुशन कवर लेके आई हूँ। कुशन कवर कैसे बनाएंगे हम क्रोसी से, तो फ्रेंड्स मैंने इसकी डिज़ाइन की वीडियो अपनी पिछली वीडियो में डाल रखी है इस डिज़ाइन की। तो क्रोसी से बना हुआ है और मैंने फ्रेंड्स जोड़ना भी बताया आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने इसको बनाने के लिए तीन तीन इसके जो तीन पार्ट हैं, जो तीन इसके पीसीज हैं, उन तीन तीन पीसीज को जोड़ के 9 पीस बनाए हैं। ये तीन इस तरफ, तीन इस तरफ और तीन इस तरफ जोड़ के मैंने 9 पीस का इस तरफ से और 9 पीस का इस तरफ से बनाया है। और फिर मैंने फ्रेंड्स किनारे पे क्रोशिए से छोटी छोटी किनारी लगाई है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ऐसे मैंने पूरे पे किनारी लगाई है। मैं आपको थोड़ी सी किनारी लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप इसका कुशन भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। तो मेरे कुशन की जितनी चौड़ाई और लंबाई थी, तो ये तीन पीस मेरे कुशन में एडजस्ट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बनाते हुए आई हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, बहुत ही आसान है। ये किनारी छोटी छोटी लगाई है मैंने, बड़ी बड़ी नहीं लगाई। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले धागा जोड़ लेना है। धागा जोड़ना नहीं आ रहा हो तो पहले गांठ लगा लीजिए धागे में, और फिर अंदर से क्रोशिया डाल के और उसको ऐसे आप एक बना लीजिए। और उसके बाद आपने तीन चैन बनानी है, दो तीन। तीन चैन बनाने के बाद फ्रेंड्स, पहली जब पहले में डालेंगे आप, तो इसके अंदर ही डालिएगा। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, अब इसके अंदर मैं डबल क्रोशिए से 3 बार बिन लूँगी। एक तो हमारा चैन का हो गया तीन की, और तीन और बिन लूँगी, तो ये हमारे 4 हो जाएंगे। ये देखिए, मेरे 4 हो गए। अब मैंने क्या करना है फ्रेंड्स, ये एक जाली छोड़ के तीसरी जाली में, मतलब एक छोड़ के अगले वाली में दोनों तरफ की देखनी है। ये दोनों तरफ से बिल्कुल सही सही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं आना चाहिए। और मैं सिंगल क्रोशिया ये छोड़ के इसमें डालूँगी, ऐसे इसमें डाला मैंने। और अब मैं फिर तीन चैन बनाऊँगी, एक दो तीन। तीन चैन बनाने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसी में, इसी के अंदर तीन और बनाऊंगी, एक दो और तीन। और एक मेरा चैन वाला हो गया, 4 हो गए। तो फिर मैं एक छोड़ूंगी और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिए से ऐसे डालती जाऊंगी। ये फ्रेंड्स मैंने छोटी छोटी किनारी बनाई है। इसी किनारी से आपको सिलने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ साथ आपका कुशन पूरा सिल जाएगा और किनारी की किनारी बन जाएगी। तो आप इससे पूरा बना सकते हो, पूरे में जैसा भी आप बड़ी चाहें छोटी चाहें बना सकते हो, एक दो तीन। और फिर यहीं एक दो और तीन, 3 बार मैंने बिना है और तीन की मैंने चैन ली थी, तो 4 हो गया। तो एक छोड़ के बस फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि पिछला और अगले वाला जो ये हमारी जालियाँ दिखाई दे रही, ये बिल्कुल साथ साथ होनी चाहिए, ना आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से कुशन इधर उधर डिज़ाइन बनेगा इसका। तीन जालियाँ और इसी के अंदर ना तीन सॉरी तीन चैन और इसी के अंदर 4 बार बनाना है। तो तीन तो हमारी चैन बन गई और तीन और बनाएंगे हम, तो हमारे 4 हो गए। और फिर एक जाली छोड़नी है और तीसरी जाली में सिंगल क्रोशिया डाल के 2 का 1 करके ये देखिए 3 चैन बनानी है। और फिर यहाँ पे हमने किनारी बनाते हुए जाना है। इस किनारी को फ्रेंड्स, आप मैंने 4 की बनाई है, तो आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आएगा डिज़ाइन। तो आपने क्या करना है, वही आपने
एक दो दो छोड़ के और तीसरे के ऊपर डाल देना है यहाँ पे ऐसे। तो वैसे आपका आराम से किनारी एडजस्ट हो जाएगी। एक दो तीन, तीन की चैन बना के इसके अंदर आपने नौ नौ के पार्ट में, मैंने नौ नौ का बना रखा है, नौ नौ मेरे पीस इधर है, नौ उस तरफ है, तो आपने दोनों को जोड़ के अच्छी तरह सीधी तरफ से ही सीधा सीधा करके और ऐसे आपने किनारी बनानी है। तो ये जुड़ भी जाएगा, सिलने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही आपका कुशन सिल जाएगा किनारी के साथ ही। आपके दो दो काम एक ही में हो जाएंगे, आपको सिलने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरी ये रह गई है, जो ये रह गया है मेरा, यहाँ तक मैं पूरा सिल लूँगी, सॉरी बना लूँगी। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था जो ये चीज़ आएगी, तो आपको इसमें एक दो तीसरी चैन के ऊपर दोनों दोनों मिला के और ऐसे आप बना लेंगे, अगर आपको जाली घास साफ नहीं आया। तीन और चार, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डाल रखी है किनारी की, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा ले रखे हैं, ये यहाँ मैंने चार लिए हैं, मुझे छोटे छोटे अच्छे लगे तो मैंने चार का ही बनाया है। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं टाइट लग रहा हो, जैसे एक छोड़ के बना रही हूँ मैं, तो आप कहीं कहीं बीच में दूसरे वाले में भी डाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं का टाइट चलता है, कहीं का ढीला चलता है। बस मेरा ये रह गया है। तो फ्रेंड्स मेरा ये पूरा बन गया है, ये देखिए, ये देखिए पूरी किनारी साइडों की ये भी बन गई और इस तरफ भी बन गई, ये देखिए। अब ये चीज़ मेरी खुली रहेगी क्योंकि मैंने कुशन डालना है इसमें, तो मैं आपको कुशन डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुशन डाल दिया है मैंने और ये हमारी किनारी ऐसे बन के आई है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इस तरफ, इस साइड और इस साइड में अलग किनारी बनाऊंगी। इसको आप अगर यहाँ पे स्टिच करना चाहते हैं दो या तीन, वो आपकी मर्ज़ी, या बटन लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बनाइए, और अगर समझ नहीं आया तो मुझे दोबारा पूछिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स बनाइए और बताइए मुझे भी कि आपका कुशन कैसे बना है। तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, इस डिज़ाइन में आप, तो मैं आपको किनारी बना के बताई है, तो आप भी इस किनारी को ट्राई करें और बनाएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।